गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैम छो वाला विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग वेव्स के बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या डेटा के अंदर दिया है। दोस्तों ये पूरा लेक्चर वेलोसिटी के बहुत छोटे छोटे दो ही फॉर्मूला पे यूज है। आप सबको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। रिपीट दोस्तों, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। यहां पे म्यू को सोचो दोस्तों, म्यू को हमने बोला था लीनियर डेंसिटी यानी मास बाय लेंथ। दोस्तों मास दिया है आपका 5 × 10⁻³, लेंथ 0.72। तो दोस्तों आपको फटाफट कैलकुलेट करके यहां पे मास अपॉन लेंथ तो ये मिल जाएगा 6.9 × 10⁻³। दोस्तों ये आपको म्यू मिल गया। आपको याद होगा उसका यूनिट केजी पर मीटर, यानी आपका जैसे ही म्यू आ गया आप यही वैल्यू वेलोसिटी के अंदर पुट कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा फटाफट। दोस्तों टी आपका दिया है 60, म्यू आ गया 6.9 × 10⁻³। 10⁻³ को ऊपर ले जाओ, फटाफट कैलकुलेट करो और आपका आंसर 93.25 मीटर पर सेकेंड। बोलो आ गया दोस्तों आंसर। सर बहुत ही सिंपल, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला पे ही काम करना था और हो गया। तो ट्राई करने के लिए यही न्यूमेरिकल मैं आपको ट्राई करने के लिए लेंथ दे रहा हूं 1 मीटर, मास दे रहा हूं 2.5 मिलीग्राम और टेंशन आपको दे रहा हूं 100 न्यूटन। तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस। सर ट्राई करेंगे, यस। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जिसके अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात, यानी आपको कोई गैस दिया होगा उसमें आपको यूज करना है। तो दोस्तों उसके लिए फॉर्मूला याद करो। सर जब हम गैस की बात करते हैं, आइसोथर्मल की बात करते हैं, V is equal to under root P by rho, isothermal process, न्यूटन ने ही बोल दिया था, P तो हमारे पास रेडी है, rho कैसे लाएं? तो मास दिया हुआ है दोस्तों, तो density is equal to mass by volume, so 29 × 10⁻³, ये 22.4 × 10⁻³, आप सब जाने दोस्तों इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे, तो 1.29 kg per meter cube। यानी डेंसिटी हो गई बात। दोस्तों ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। चलो प्रेशर की वैल्यू क्या थी दोस्तों, ये रही। डेंसिटी की वैल्यू क्या लेके आए दोस्तों, ये रही। इसका दोस्तों कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर 280 मीटर पर सेकेंड। अब याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस एटमोस्फियर में नहीं होती, ऐसा लाप्लास ने बोल दिया था। आपको यहां पे प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली पता चला कि सर प्रैक्टिकली हम जब ने देखा तो इसका आंसर इसके नजदीक आना चाहिए प्रैक्टिकली, और इन दोनों के बीच में देख के पता चलता कि सर 50% लेस मिला। यानी जो लाप्लास नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि एटमोस्फियर में जो प्रोसेस होती है वो आइसोथर्मल नहीं एडियाबेटिक होती है ना। तो देखो हमने फिर से प्रूव कर दिया, दो इलस्ट्रेशन कंफर्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ओर। सेम स्टाइल, मास, लेंथ, टेंशन, टाइम ढूंढना है तो वेलोसिटी हो जाए। चलो फटाफट दोस्तों, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। याद होगा आपको म्यू फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू, ये रहा सर मास बाय लेंथ। मास आपका 2.5, लेंथ आपका 20, यानी इसका कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1.259 kg per meter। दोस्तों ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डन। टी की वैल्यू क्या थी 200, ये 0.125, यानी वेलोसिटी इसका आपको मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये न्यूमेरिकल यहां खत्म होना चाहिए, पर हमें वेलोसिटी नहीं पूछी। ध्यान से देखो, आपको टाइम पूछा है। तो याद करो 11th स्टैंडर्ड में आगे वाले चैप्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहां पे डिस्टेंस का ही मतलब लेंथ है 20,
और वेलोसिटी आपको क्या मिली 40, यानी आपका टाइम आ गया दोस्तों 0.5 सेकेंड। बोलो मजा आ गया दोस्तों आपको, परफेक्टली ये दोनों चीज एकदम 100% क्लियर हो गई। और भी इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल जो आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट याद करवाए कि सर ये आपके पास 300 मीटर वाले बिल्डिंग है, यहां पे नीचे कोई तालाब है, यहां पे कोई लड़का खड़ा है और यहां से स्टोन को नीचे फेंक रहा। सर इसका मतलब स्टोन को जब नीचे फेंकोगे ना तो हमें पता है वो सर फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट आया, डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद करो फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डी की जगह हाइट हाफ, ए की जगह सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ए की जगह जी लिखना पड़ेगा, टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ 2h/g, सर टी को फाइंड करो अंडर रूट 2h/g, वैल्यू पुट करो 2h की वैल्यू 300, जी की वैल्यू 9.8। यस सर सारी वैल्यू फटाफट पुट करोगे तो आपका आंसर 7.82 सेकेंड। क्या आपका आ गया इनिशियल टाइम, यानी ये टाइम जो यहां से यह तालाब के अंदर वो पत्थर गिरेगा। पर इतना ही नहीं है, आपको बोला है कि सर टोटल फाइन, यानी यहां से जब साउंड ऊपर आएगा तब ये बंदे को वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। तो सर इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हुआ। यस सर, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी, डिस्टेंस आपने बोला 300, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड 340 के आसपास ले लो, तो ये आपका टाइम T2 बोलते हैं, इसको मैं T1 बोल दूं कंफ्यूजन ना हो, ये T2 जब बाउंस बैक होगा तब ये मिल गया आपको T2। सर अब हो गया आपका काम कंप्लीट, टोटल टाइम इज इक्वल टू दोनों का एडिशन। चलो फटाफट दोस्तों इन दोनों का एडिशन कर दो, आपके पास ये भी रेडी है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 8.72 सेकेंड। मजा आ गया सर, बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। चलो एक प्रैक्टिस करना है, अगेन म्यू की बात करनी पड़ेगी। सर मास बाय लेंथ आपको फाइंड क्या करना है, यहां पे आपको टी फाइंड करना है, मास 2.1, लेंथ 12। सर इसका भी कैलकुलेशन करते हैं, यस दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर दो, 0.175 kg/m। बोलो म्यू मिल गया। अब क्या था फॉर्मूला वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। दोस्तों दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको टी सब्जेक्ट मिल जाएगा, बस हो गया काम, टी को सब्जेक्ट बनाओ, टी इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर। म्यू आप लेके आए हो 0.175, वी 343 का स्क्वायर। दोस्तों फटाफट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ गया 2.06 × 10⁴ न्यूटन। बोलो मजा आ गया। यस सर पूरा बेहतरीन कंसेप्ट जो हमारे एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन के न्यूमेरिकल के वेव्स के रिगार्डिंग वो परफेक्ट हो गए।